कौन है जो वृंदावन में चिता तैयार कर रहे हैं? इस अमावस्या की रात्रि ये वृंदावन गांव नहीं शमशान बन जाएगा। यहाँ जितने लोग जीवित हैं उनसे ज्यादा शव होंगे। कृष्ण के साथ वृंदावन के सभी बालकों और शिशुओं के देह इन चिताओं पर निर्जीव पड़े होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो होने ही वाला है नंद। कृष्ण और उसके अन्य साथी सुंदर माया नगरी में फंस चुके हैं। देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। दाऊ, हमें इस ओर जाना है, आइए। बस अब तो अमावस्या की प्रतीक्षा है। जैसे ही अमावस्या का प्रारंभ होगा तुम्हारे गांव के शिशु तड़प तड़प कर अपने प्राण दे देंगे और मेरा प्रतिशोध पूरा होगा। कृष्ण ओम ब्रह्म देवाय नमः। ओम ब्रह्म देवाय नमः। दाऊ, आचार्य विश्वकर्मा जी तो ब्रह्मदेव की तपस्या में विलीन है। उनकी तपस्या को भंग करना उचित नहीं होगा दाऊ। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। किंतु हाँ दाऊ, मेरे पास एक युक्ति है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम नारायण। कहिए, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? ब्रह्मदेव, हमें आपकी सहायता चाहिए। आचार्य विश्वकर्मा जी आपकी आराधना में लीन है। ओम ब्रह्मदेव। आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे वो ध्यान से बाहर आ जाए। नहीं नारायण, ये संभव नहीं। मैं विश्वकर्मा की तपस्या भंग नहीं कर सकता। किंतु आप इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इन्हें आशीष दे दीजिए ना, अन्यथा वृंदावन पर पड़ा संकट दूर नहीं होगा। और जो पुण्य वह आपकी तपस्या करके प्राप्त करना चाहते हैं, वो किसी मनुष्य की सहायता कर भी तो प्राप्त कर सकते हैं ना। और यह सृष्टि तो आप ही का ही सृजन है, क्या आप अपने भक्तों के लिए इतना भी नहीं कर सकते ब्रह्मदेव? ठीक है नारायण, अब आपके इस तर्क पर मुझे विश्वकर्मा की साधना समाप्त करनी ही होगी। किंतु स्मरण रहे नारायण, विश्वकर्मा आपकी सहायता के लिए अपनी साधना समाप्त तो कर देंगे, किंतु वो कुछ समय तक मेरे नाम के सिवाय कुछ और नहीं बोल पाएंगे। सर, विश्वकर्मा जी बिना बोले हमारे साथ कैसे कर पाएंगे? जिस वास्तु विधि का प्रयोग इस माया नगरी के निर्माण में हुआ है, हम भी उसी वास्तु विधि से उपाय करेंगे।
विश्वकर्मा। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम। मैं आपकी इस तपस्या से प्रसन्न हुआ। क्षमा चाहूंगा ब्रह्मदेव, किंतु अभी तो मेरी साधना भी पूर्ण नहीं हुई। किंतु विश्वकर्मा, इस समय आपको एक ऐसा कार्य करना है जो आपकी इस साधना से भी अधिक फलदायी है। आपको विष्णु अवतार कृष्णा की सहायता करनी है। प्रणाम प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। कहिए नरश्रेष्ठ, मैं किस प्रकार आपकी सहायता कर सकता हूँ? विश्वकर्मा जी, आप मायासुर की माया को समाप्त करने का हमें कोई उपाय बताइए। वो देखिए नारायण, ये है माया नगरी को समाप्त करने का उपाय। ने तो माया नगरी को शनभर में ही समाप्त कर दिया। आइए भीतर आइए, शीघ्र शीघ्र भीतर आइए, भीतर चलिए चलिए, भीतर चलिए, सुरक्षित सुरक्षित से साथ चलिए, भीतर चलिए शीघ्र शीघ्र। यशोदा यशोदा भीतर शीघ्र शीघ्र, भीतर भीतर भीतर, कोई शेष तो नहीं है। माया नगरी में तुम्हारा स्वागत है कान्हा। यहाँ पग पग पर तुम्हें इतने संकट मिलेंगे कि तुम मेरे समीप पहुंच ही नहीं पाओगे। कान्हा, ये क्या, हम इस लावे की नदी को कैसे पार करेंगे? ये तो बहुत ही गर्म है। मित्रों, तुम सब यहीं रुको, दाऊ और मैं अभी आते हैं। दाऊ, हमें इस नदी के मुख को बंद करना होगा। कृष्णा, तुम इस नदी का मुख बंद नहीं कर सकते, क्योंकि तुम शीघ्र ही मेरे हाथों कुचले जाओगे। कैसे समाप्त होगा? दाऊ, ये माया नगरी है, यहाँ बल से बुद्धि से कार्य किया जा सकता है। मान गए तुम्हारी शक्ति को,
तुम्हारे जैसी शक्ति तो किसी में भी नहीं है। तो फिर अपने मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ मूर्ख बालको। मुझे मारने से पूर्व ये तो बता दो कि तुम्हारी शक्ति का रहस्य क्या है। लावा, लावे से बना हूँ मैं। तेरा अंश ही तेरा अंत कर सकता है। तुम्हें कैसे पता चला कि ये ऐसे मरेगा? दाऊ, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं किसने क्या कहा था। उसने कहा था कि उसका अंश ही उसके अंत का कारण है। और दाऊ, वो इस नदी की यहाँ पर रक्षा कर रहा था। इसका तात्पर्य तो यही हुआ ना कि यही उसका अंश है। तो फिर ये नदी उसका अंत ही। गाना, तुम्हारी पहेलियां तुम ही जानो। मैं अभी इस शिला को लावा में गिरा कर इस नदी को रोक देता हूँ। दाऊ, आप तो बड़े ही बलशाली हैं। आपने अकेले ही इतनी बड़ी चट्टान से नदी का मुख एक ही बार में बंद कर दिया। नंदबाबा, नंदबाबा, दरबारी खिड़कियां सब बंद कर दी मैंने। बहुत अच्छा किया। इस समस्या से हमें श्री हरि के सिवा और कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए हम सबको मिलकर श्री हरि का नाम लेना होगा। हाँ यशोदा, बोलो। जय श्री हरि। जय श्री हरि। जय श्री हरि। सूर्य ढल चुका है, अब रात्रि होगी, अमावस्या की रात्रि। के पश्चात वृंदावन में करंधन ही करंधन होगा। चलो मित्रों, नहीं मित्रों, मत जाओ। पाना, ये सब तो मूर्छित हो गए, अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? दाऊ, अब तो हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने मित्र को यहीं छोड़कर आगे बढ़ना होगा। किंतु अभी तक हमें कोई उपाय नहीं मिला का ना। दाऊ, इस प्रहर में पवन का वेग इस दिशा से उस दिशा तक है, और दाऊ, इसी कारणवश ये गदा हमारा मार्ग अवरुद्ध कर रही है। सब लोग धैर्य बनाए रखो, कुछ नहीं होगा। धैर्य बनाए रखो सब लोग, श्रीहरि पर विश्वास रखो। अब क्या होगा? हमें श्रीहरि का नाम लेना नहीं छोड़ना होगा। जय श्रीहरि। कृष्ण, तुम मेरी माया नगरी में आए हो क्योंकि तुम चतुर हो। तुमने मेरे दानवों को मारा क्योंकि तुम वीर हो, किंतु तुम इस माया को नष्ट नहीं कर सकते। देखो, अमावस्या की रात्रि प्रारंभ होने में कुछ ही क्षण बाकी हैं।
फिर तुम्हारा सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगा। तुम उन शिशुओं को नहीं बचा पाओगे और साथ में सभी वृंदावन वासी भी नहीं बचेंगे। अब मेरी विजय सुनिश्चित है और तुम्हारी मृत्यु। नहीं तोड़ सकते, नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम कुछ भी नहीं कर सकते मायासुर, जो विधि ने निश्चित किया है बस अब वही होगा। पहले विधि ने तुम्हारा साथ दिया था, किंतु अब विधि ने भी तुम्हारा हाथ छोड़ दिया है। नहीं, मैं मायासुर हूँ, समय मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मायासुर, अब तुम बिना माया के कुछ भी नहीं कर पाओगे, और अब तो तुम्हारी माया नगरी भी समाप्त हो चुकी है। और हाँ, मेरे दाव का क्रोध बड़ा ही भयानक है, तुम्हें उनसे शत्रुता नहीं लेनी चाहिए। मुझे क्षमा कर दो काना। ठीक है, अब यदि तुम्हें तुम्हारे किए का पछतावा है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, किंतु हाँ, इस जीवन दान के बदले में तुम्हें उन नन्हे शिशुओं के लिए मुझे कोई औषधि देनी होगी। इन शिशुओं का जीवन इस औषधि से बच सकता है। ठीक है काना। मायासुर, अब तुम जा सकते हो। हे ईश्वर, हमारी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ना, ये दानव कौन था? दाऊ, ये मायासुर व्योमासुर का पिता है। दाऊ, और वो यहाँ मुझसे प्रतिशोध लेने आया था। तो फिर तुमने उसे मारा क्यों नहीं? दाऊ, यदि मैं उसका अंत कर देता तो उसके साथ उसकी शक्तियों का अंत नहीं होता, और वो सारे शिशु भी कभी ठीक नहीं हो पाते। दाऊ, उन नन्हे अबोध बालकों के जीवन से अधिक आवश्यक मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और दाऊ, अब वो मायासुर यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि उसे श्राप प्राप्त है कि उसकी माया एक ही स्थान पर एक बार से अधिक रची नहीं जा सकती। काना, तुमने अपना वचन निभाया। हाँ अनुराधा काकी, ये सब तो श्री हरि की कृपा है। वृंदावन से इतना बड़ा संकट टल गया, और तुम इतने निराश क्यों हो? क्योंकि दाऊ, अब जो यहाँ वृंदावन में आने वाला है उसका आभास मुझे अभी से ही हो रहा है। राधा,
हम सब स्त्रियां तो यहाँ श्रृंगार की वस्तुएं लेने आई, किंतु तुम क्या खरीदोगी? काकी, मैं वो चूड़ियां लेने आई हूँ, आप मुझे चूड़ियां दिलवाओगे ना? हाँ हाँ राधा, तुम्हें जो चूड़ियां पसंद हो तुम ले लो। आइए आइए चूड़ियां देखे। ललिता देखो, इनमें से कौन सी चूड़ी मेरे हाथों पर जचेगी? ये वाली? नहीं राधा। ये वाली? नहीं। ये वाली? राधा, तुम्हारे हाथ पे ये सफेद चूड़ियां ज्यादा अच्छी लगेंगी, तुम ये सफेद चूड़ियां ले लो। बाकी मुझे सुनहरी चूड़ियां चाहिए। हाँ हाँ राधा, तुझे जो चाहिए तू वही ले। भैया, राधा को ये सुनहरी रंग की चूड़ी पहना दो। बिटिया तनिक अपना हाथ आगे बढ़ाना। ये चूड़ियां तो बिटिया रानी के हाथ में छोटी आ रही हैं। किंतु काका, मुझे यही चूड़ियां चाहिए। किंतु पुत्री, तुम्हारे नाप की ये चूड़ियां मेरे पास में है ही नहीं। राधा, तुम दूसरे रंग की चूड़ियां पहन लो पुत्री, तुम्हारे ऊपर वो भी बहुत अच्छी लगेंगी। तब तक हम लोग आते हैं, ठीक है? ठीक है चूड़ी वाले काका, आप मुझे ये चूड़ियां दे दीजिए, किंतु अगली बार जब मैं आऊंगी तो आप मेरे लिए वैसी वाली चूड़ियां मंगा कर रखना। राधा, इसमें तो कोई भी संदेह नहीं है कि तुम्हारा चुनाव सबसे सर्वश्रेष्ठ है, किंतु राधा, मैंने जिसे चुना है उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। वो सुंदरता की हर कल्पना से परे है बावरी राधा। तुमने मुझे फिर से बावरी का कहना। आइए आइए बहनों, देखिए और लीजिए मथुरा का सर्वोत्तम कुमकुम। आइए। क्या दे रहे भैया? ये एकदम सर्वोत्तम कुमकुम है, मथुरा से लाया हूँ सब। क्या कहते हो सखियो, हम सबको भी कुमकुम एक बार अवश्य प्रयोग कर लेना चाहिए। हाँ भैया, एक काम करो, एक एक डिबिया सिंदूर सबको दे दो। चलो सखियों, और भी सामान खरीदना है। हाँ हाँ चलो चलते हैं। आइए 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 बहनों, लीजिए मथुरा का सर्वोत्तम कुमकुम। सुदामा, मधुमंगल और सुबल, आप तक क्रीड़ा करने क्यों नहीं आए? काना, मेरी मैया। क्या बात है मित्र? काना, 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 मेरी मैया, काना, मेरी मैया। क्या हुआ तुम्हारी मैया को? मैया, मैया उठो ना मैया, मैया बहुत भूख लग रही है। मैया, सुबल की माँ बहुत भूख लगी है, खाने में कुछ अच्छा सा बना दो। आज के बाद मैं भोजन नहीं बनाऊंगी। क्या मैं आपकी दासी हूँ?
आप स्वयं भोजन बनाकर खा लीजिए। क्या सभी की माता ऐसा व्यवहार कर रही है? किंतु क्यों? अपने घर गृहस्थी से अधिक चिंता इन गांव वालों की लगी रहती है। अरे ये गांव वालों ने मेरे शत्रु बन गए शत्रु। यशोदा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो सदैव गांव के कार्यों में मेरा साथ देती हो। किंतु अब नहीं, अब आपको मेरे विषय में सोचना होगा, मेरी चिंता करनी होगी। जब देखो तब अपना ध्यान और समय इन गांव वालों पर व्यर्थ करते रहते हो। नंद जी, हम दोनों वृद्ध दंपति का कोई नहीं है, इसलिए आपके पास आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए आए। किंतु नंदरानी जी का यह व्यवहार देखकर तो अब कुछ भी मांगने की इच्छा नहीं रही। चलते हैं। नहीं काका, यशोदा को क्षमा कर दीजिए। लीजिए। आई यशोदा, दो दो मुझे। यहाँ कोई धर्म खाता खुला है जो मुंह उठाकर आ गए? चल जाओ यहाँ से। काका, आप निश्चिंत होकर घर जाइए, आपकी धनराशि मैं आपके घर में पहुंचा दूंगा। यशोदा रानी तो? काका, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। काका, समझ में नहीं आ रहा है ये अकस्मात तुम्हारी मैया को क्या हो गया है, मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कुछ अनुचित अवश्य हो रहा है, कुछ ऐसा जो हमें ज्ञात नहीं है। किंतु अब हमें इस आक्रोश का कारण ज्ञात करना ही होगा। कृष्ण को मैं मारूंगा, किंतु उससे पहले उसके नेत्रों के समक्ष मृत्यु की वो विनाश लीला रचाऊंगा कि मृत्यु से पहले उसके प्राण निकल जाएंगे। उसका हृदय इस वृंदावन में बसता है ना, तो सबसे पहले मैं इस वृंदावन को नष्ट कर दूंगा। इस मायावी कुमकुम में सम्मोहन करने की शक्ति है। मैं स्त्रियों को वश में करके वृंदावन के प्रत्येक घर का विनाश कर सकता हूँ। कितना सुंदर दृश्य होगा वो, जब एक माँ अपने हाथों से अपने पुत्र और पति का वध कर देगी। कृष्णा, अब तू तेरे वृंदावन की दुर्दशा देखने के लिए तैयार हो जा। अब तुम सब स्त्रियों को मेरा आदेश मानना होगा। जानती हो ना, अब तुम सब मेरी दासी हो और अब मैं तुम्हारा स्वामी। तुम सबको आपस में युद्ध करना होगा, एक दूसरे के प्राण लेने होंगे, वार करो एक दूसरे पे। काका,
गाड़ियों की सड़कें हर ट्रिक क्यों है? कोई हलचल भी नहीं है गांव में। हाँ काना, पूरा का पूरा गांव रिक्त है। वृंदावन खाली है और कृष्ण हैरान। अब मैं चलूंगा अपनी अगली चाल। काना, काना। भैया और बाबा भी घर पर नहीं है। काना, सभी गांववासी कहाँ चले गए? हम सबकी मैया और बाबा भी घर पर नहीं है। काना, काना, मेरी मैया और बाबा दोनों ही घर पे नहीं है। आपके नेत्रों के द्वारा मैं गांव में घटी इस घटना का सत्य जानूंगा। गाँव के हर घर से स्त्रियां कहीं चली गई, हमें उन सबको ढूंढना होगा। नंदराज, सबकी पत्नियां एक साथ कैसे गायब हो सकती हैं? मित्रों, हमें शीघ्र ही उनको ढूंढना होगा, चलिए। अच्छा, तो ये कारण है। बाबा और बाकी गाँव वासी भी अन्य स्त्री को ढूंढने निकल गए हैं। काना, अब हम क्या करें? किसको पूछे और कहाँ जाए? हमारे परिजनों और गांव वासियों को कहाँ ढूंढेंगे? मित्रों, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि बाकी गांव वासी अब कहाँ होंगे। सर्प चक्र, अपने कार्य को पूर्ण करो सर्प सुदर्शन। नंदराज, गांव का हर स्थान हमने देख लिया लेकिन कोई स्त्री नहीं मिली। मित्रों, आगे संकट है और वहाँ तुम्हारे जाना उचित नहीं होगा। तुम सब यहीं रुको। काना, तुम संकट का सामना कर सकते हो तो हम सब भी तुम्हारे साथ संकट का सामना करेंगे। नहीं मित्रों, मैंने कहा ना कि तुम सब यहीं रुकोगे। गाँव और मैं जा रहे हैं। चलिए राम। शीघ्र जाकर उनकी रक्षा कीजिए।
हीरों को ढूंढता हूँ। जाइए दाव, समय बहुत ही कम है। बाबा को हानि पहुंचाने नहीं दूंगा। ये पदचिन्ह तो गांव की स्त्रियों के लगते हैं। मैया के स्पर्श जैसे हैं। इसका अर्थ यह है कि मैया अवश्य यहीं कहीं होगी। और लड़ो, जब तक एक दूसरे का नाश न कर दो तब तक लड़ो। सर, मेरे वश में तो आ चुका है, किंतु क्या कारण है कि इसके प्राण अब तक शेष है? ये वन तो बहुत ही भूल भुलैया है। मैं जहाँ से चलना प्रारंभ करता हूँ वहीं आकर पुनः रुक जाता हूँ, किंतु मुझे मैया तक पहुँचने के लिए इस वन को पार करना ही होगा। ये मेरा मायावी वन है कृष्णा, तुम इस वन को पार नहीं कर पाओगे, और जब तुम इस वन को पार नहीं कर सकते तो तुम किसी भी प्रकार इस गुफा तक नहीं पहुंच सकते। शीघ्र यहाँ आओ। दाव किसी विपदा में, मुझे उनकी रक्षा करनी होगी, किंतु उनकी रक्षा करने से पूर्व ही मुझे अपने आप को इस बंधन से मुक्त करना होगा।